मॉर्निंग. नमस्कार. तो अभी हम बैठे हुए हैं नरकंडा में. अच्छा था यहाँ पे स्टे. रात में नींद बढ़िया आई और कई सारे लोग आए थे यहाँ पे. सब स्पीति करके आ रहे हैं, सब वापस की तरफ जा रहे हैं. अब तो उनसे बात हुई, उनसे पूछा, बोल रहे हैं कि शायद रास्ता खुल जाएगा चंद्रताल के लिए. थोड़ी घबराहट हो रही है. तो निकलने को तैयार यहाँ से. देखिए कुछ बाइक में काम वाम करा लें और क्योंकि फिर कल आगे चलना है. शाश्वत मेरे भाई कहाँ हो तुम? कमरे के अंदर तो कुछ है नहीं, जो भी है इन खूबसूरत वादियों में, इन खूबसूरत नज़ारों में ही है. तो चलो देखते हैं क्या है रामपुर बुशहर. नरकंडा का होटल लेन, यहाँ पे सारे होटल्स पाए जाते हैं. ये मेन रोड से जैसे ही आप ऊपर चढ़ के आते हैं तो ये नरकंडा का मेन, यहीं पे सारे होटल्स हैं. कुछ होटल्स यहीं पास पे मेन रोड पे भी हैं, पर ज्यादातर होटल अंदर हैं यहाँ पे. खाने में कुछ मिल जाएगा? पराठे बना दीजिए. तो सुबह निकले नरकंडा से बाइक वॉश कराने के लिए, पर वहाँ नरकंडा में कोई मिला नहीं. तो वहाँ पे पता किया तो उन्होंने बताया आगे 3 किलोमीटर है, तो वहाँ कोई मिला नहीं वॉशिंग वाला. फिर वापस आ रहे हैं. सुबह से कुछ खाया नहीं था. एक ये रेस्टोरेंट मिला यहाँ पे, साई फूड कॉर्नर, साई फूड कॉर्नर. तो यहाँ पे बैठ के अभी दो पराठे खाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं. बिल्कुल बटर वाला पराठा है, बटर लगा लेता हूँ उसमें अच्छे से. वाह. ₹500 का पेट्रोल अभी भराया है. घर से ही जब निकले थे तो पेट्रोल भराया था, फिर ₹700 का पेट्रोल भराया था. ₹1,000, ₹700, ₹450, ₹300 ऐसे भराया है अभी तक. आज 500 का. निकल पड़े हम लोग रामपुर के लिए. ये देखो कितने सारे बंदर बैठे हुए हैं यहाँ पे. सब बंदर बैठे हुए हैं इधर इस लाइन से. सब बंदर बैठे हुए हैं. बंदर ही बंदर, बंदर. अमेजिंग. पहाड़, पहाड़ के पीछे पहाड़, पहाड़ के पीछे पहाड़, और पहाड़ के पीछे पहाड़, और पहाड़ के ऊपर बादल, और पहाड़ के ऊपर बादल. तो यही नजारा है पूरा. सेब के बाग है चारों तरफ. ये सब सेब के बाग है. ऊपर ये, यहाँ पे नीचे सारे, ये सब सेब के बाग है. तो सेब की खेती हो रही है जबरदस्त तरीके से. तो अभी ड्राइव कर रहे हैं रामपुर की तरफ. 60 किलोमीटर की ड्राइव है. इजी इजी आराम आराम से चल रहे हैं, नज़ारों का मज़ा लेते हुए. वाकई में बहुत ही खूबसूरत है. हिमाचल के पहाड़ आर
ट्रूली ब्यूटीफुल, मतलब जिनको किताबों में डिस्क्राइब किया जा सकता है, शब्दों में बयां किया जा सकता है, उस तरीके से ये खूबसूरत है। कहीं इधर ही दूर इन पहाड़ों के पीछे कल परसों में हमें भी जाना है, पहुंचना है वहाँ पे स्पीति वैली। तेज़ धूप निकली हुई है, मज़ा आ रहा है। चलो नज़ारों के थोड़े मज़े लो। तो बाइक धुल गई है, चलने को तैयार वापस, गर्मी बढ़ गई है। ये भाई साहब मिले थे, सर आपका नाम? साजिद। साजिद जी मिले थे, इन्होंने कुछ रास्ते के बारे में बताया, थोड़ी बहुत जानकारी दी है, होपफुली बेनिफिशियल होगी वो। चलिए ओके। अच्छा साजिद जी चलते हैं, गुड लक। थैंक यू। तो पैसे हो गए, 50 रुपये लगे धुलाई के। बाइक धुल गई है, चमचमा रही है रानी। अभी दूसरी जगह आ गए हैं, यह साहिल फास्ट फूड कॉर्नर एंड साहिल होटल। देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है। नहीं नहीं रुकने का है, कमरा मिल जाएगा? कितने का है? तो यहाँ पे कमरा ले लिया 600 रुपये में, जिसमें बाहर व्यू भी है, सतलुज नदी बह रही है यहाँ से, मस्त। आ गए रामपुर, ये है रामपुर के पहाड़। अभी दो कमरा गीजर लगा हुआ है, बाटी इंग्लिश स्टाइल पॉटी, बेड कंबल, खिड़की, दृश्य, और ये मैं विद ऑल माय राइडिंग गियर्स एंड ऑल। चलो जाके बाइक से सामान खोल के लाता हूँ, फिर उसके बाद शहर भ्रमण के लिए निकलते हैं, देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। चलो जी, शाम हो गई है, भूख लग गई है, बैठा हूँ यहाँ पे, नज़ारे का मज़ा ले रहे हैं, खाते हैं, चाउमीन मंगाई है, चाउमीन खाते हैं, बड़ी एनर्जी बटोरते हैं, फिर शहर की तरफ जाते हैं, एक दो चीज़ें लेनी है, मोस्ट प्रॉब्ली मिल जाए। तो मैं कह रहा था कि रामपुर जो है एक मीडियोकर शहर है, ना ही बहुत बड़ा शहर है, ना ही बहुत छोटा शहर है। रामपुर में एक हाइड्रो पावर प्लांट है, जिसकी वजह से काफ़ी आबादी और काफ़ी लोग यहाँ पे बसते हैं। सतलुज नदी बह रही है, तो बिल्कुल उसकी आवाज़ हर समय, द रिवर इज़ रोरिंग ऑलवेज। तो यहाँ पे इतनी ठंड नहीं है, काफ़ी नीचे है हाइट में। अब हम लोग धीरे धीरे जो आगे बढ़ रहे हैं वो है स्पीति वैली की ओर, तो कल हम लोग चिटकुल की ओर निकलेंगे, क्योंकि अब बचा है 120 किलोमीटर लगभग। तो देखते हैं, मज़ा आएगा करने में, आराम से निकलते हैं यहाँ से, 7 बजे तक निकलेंगे तो भी पहुँच जाएंगे शाम तक। ग्लव्स खरीद के लाया आज मैं, तो ये ग्लव्स मुझे मिल गए 180 रुपये में, यहाँ पे एक सेल वाला मार्केट लगा था तो वहाँ से मैंने लिया। ये अच्छा है, ये मैंने पहले ट्राई किया हुआ है, जिस टाइप वाला, इसमें अंदर फर होता है, बाहर जैसा प्लास्टिक होता है, ये फर है, ये प्लास्टिक लगा हुआ है। तो ये मैंने ऐसे पहले यूज़ किया हुआ है दिल्ली में, तो अच्छा होता है सर्दियाँ, ये दिल्ली के सर्दियाँ तो निकाल ही देता है, लेह लद्दाख में देखते हैं कितना काम करेगा। अब से ज़्यादा उनके पास कुछ था नहीं, बाकी जब था जो था उनके पास वो इससे लोअर क्वालिटी में था,
अच्छा है ये काम करेगा, ये मुझे बहुत जरूरी था, ये मेरे पास था नहीं। मैंने केदारनाथ वगैरह सब ऐसे ही बिना ग्लव्स के निकाल दिया, ठंड बहुत थी वहाँ पे। आगे भी ठंड बहुत होने वाली, जिस तरीके से सब बता रहे हैं, जो लोग भी मिल रहे हैं उनकी कहानियाँ अलग हो रही हैं। वो बता रहे हैं कि वहाँ बहुत ठंड है, सबकी अलग अलग कहानियाँ हैं। कोई कह रहा है वहाँ बहुत ठंड है, कोई कह रहा है वहाँ पे हाथ नहीं बाहर निकल रहा, कोई कह रहा है वहाँ पे 12 बजे से पहले कोई सड़क पे नहीं आ रहा। तो इस हिसाब से ठंड वहाँ बहुत है। अब देखते हैं, अब आए हैं तो आगे तो जाना ही है, वापस जाने तो आए नहीं थे। चलो फिर मिलते हैं कल चिटकुल के रास्ते में। स्पीति की ओर धीरे 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 हम बढ़ रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं और हम पहुंचेंगे जरूर, ये हमारा वादा है, क्योंकि स्पीति हमें जाना है। और इसी जज्बे के साथ हम कल फिर मिलेंगे। तब तक बाय बाय, क्षमा खाया, गुड नाइट।